चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है। तब देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर पर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही
ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही स्वरूप ही भूतार्थ है और शब्द अभूतार्थ है, यह प्रतीति होती है। स्वरूप ही सत्यार्थ है और शब्द असत्यार्थ है, ऐसी निर्मल दृष्टि प्रकट होती है। निर्विकल्प अनुभूति होते ही यह वाणी और वाणी बोलने का विकल्प ये ऐसे हट जाते हैं कि असली नायक का दर्शन हुआ। जब तक नायक पीछे नहीं तब तक तो पर्दा है, और नायक आया कि पर्दा हटा। अब पर्दा व्यर्थ हो गया, वह पर्दा तब तक जब तक वो नायक नहीं, तब दर्शकों ने सत्य को देखा जिसके लिए वे बैठे थे। उससे पहले पर्दे को देख रहे थे, मगर पर्दे को देखने में भी वो पर्दे के पीछे जो है वही था। ऐसा ही है, ये विकल्प के पर्दे गिर जाएंगे, सहज गिर जाएंगे इन वाणी के विकल्प के पर्दे, जब सत्य की अनुभूति होगी। जब तुम पूरी तरह से भाव से भीग करके पूरे होश में, कोई विरले ही मेरे इन भावों को समझ सकेगा, बाकी मुड़मती तो शब्द को सुनकर के ही निकल जाएंगे बाहर। जब मैं कहूं कि पूरी तरह से भावों से बिखर के वो सत्य तुम्हें दर्शन देगा, तब ये शब्द तो दूर विकल्प ही गिर पड़ा और तुम्हें वो सत्ता मात्र चैतन्य तत्व अनुभव में आया। फिर तुम्हें झटका नहीं लगता तुम्हारा जोर मैं सत्ता मात्र, मगर तू बोलेगा नहीं कि मैं सत्ता मात्र। खबरदार कभी मुंह से बोला कि मैं सत्ता मात्र चैतन्य नहीं, तो अनुभव कर और भेद ज्ञान सहज होगा। किसी ने तुझे चाटा मारा तो बोलना मत मैं शुद्धात्मा हूं, मगर उस समय तुझे एहसास हुआ और उस एहसास में ये चाटा तो तुझे लगा ही नहीं, क्योंकि तू तो चैतन्य के एहसास में। ऐसी परम दशा की प्राप्ति के लिए तुम ज्ञान दीपक प्रज्वलित करने के लिए यहां आया हो।
यहाँ आए हो, आए कि प्रज्वलित हुआ, अब तक तो तुम यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि वो यही है और वो यही है, तुम यहाँ आए ही नहीं। यहाँ काश ये वेवलेंथ मिल जाए, ये मुलाकात हो जाए, तुम्हारे और मेरे बीच में अब बहुत बड़ी दीवार खड़ी है, उस दीवार को मिट जाने का नाम ही मैं कहता हूं तुम आए। मुंबई से उमराला की यात्रा बहुत आसान है, अमेरिका से उमराला की यात्रा बहुत आसान है, तुमसे मेरी यात्रा बहुत मुश्किल है। इसलिए तो अमेरिका से यहाँ आने वाला मुझे मिल लेता है और उमराला में ही रहने वाले दीवार के बीच में ही दुखी होते तड़पते देखे जाते हैं। वो दीवार, वो अहंकार की दीवार, अहंकार का सीधा सा अर्थ की वेवलेंथ का न मिलना, वेवलेंथ का न मिलना, वरना जहां से मैं बोल रहा हूं वहां आकर के तुम सुनो, पाओगे कि बोलने वाला तो है ही नहीं और सुनने वाला भी नहीं। उस दशा का नाम देहातीत दशा, उस दशा का नाम वचनातीत दशा, उसी दशा का नाम विकल्पातीत दशा है। न काया, न वाणी, न मन, निर्विकल्प अनुभूति उस दशा का। शब्दों का संग्रह करके तुमने ऐसे अपराध किया जैसे कोई कूड़े करकट को, कचरे को इकट्ठा करके अपने पास में अपनी झोली में भरता रहे। आई थी थोड़ो कचरो, आई थी थोड़ो कचरो, कचरा 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 इकट्ठा करके रखा और अमृत को तो छोड़ दी। अमृत जो त्रिकाल, जो कभी न मरने वाला, उसे तो छोड़ दिया। तुमने इन शब्दों को ही पकड़ा है और शब्दों को पकड़ना बहुत आसान है, मुझसे मिलना बहुत मुश्किल है। कचरे को इकट्ठे करने वाले को जैसे मैं देखता हूँ, सुनने वाले को ऐसे ही मैं देखता हूँ। धन्य भागी है वह जो मेरे निकट आ गया। मेरे निकट आने का मतलब ये व्यक्ति नहीं, जब भी मैं कहूँ मेरे निकट आ गया, जहां मैं हूं वहां तुम आ जाओ, अर्थात तुम में भी वैसा ही शुद्ध चैतन्य तत्व, तुम वहीं पर आ जाओ, फिर कोई फासला न रहे। तुम्हारी भाषा और मेरी भाषा के बीच में बहुत बड़ा भेद है, तुम्हें वो भाषा आती ही नहीं है जो भाषा मुझे आती है, इसलिए तो हमारी बातचीत नहीं हो पाती, इसलिए तो हम पास पास में बैठ नहीं पाते, क्योंकि भाषा भाषा में फर्क है। इसलिए तो कोई बिल्कुल अनजान व्यक्ति आकर के मुझे प्रश्न करेगा, मगर कोई नजदीक का रिश्तेदार मुझे प्रश्न न करेगा, क्योंकि उसकी भाषा और मेरी भाषा अलग है। मेरी भाषा सीधी सादी और उसकी भाषा वो रिश्ते के अहंकार की है, वो पूछ ही नहीं सकता मुझे कोई प्रश्न। हजारों लोग मेरे पास में आते, मेरे घर वाले मुझे आज तक कभी ऐसा प्रश्न नहीं करते कि ये चैतन्य स्वरूप की अनुभूति में मैं लीन होने का प्रयास करता था और ऐसा हुआ, आज तक नहीं किया।
और ये सुनने के बाद में करे तो भी वो झूठा समझना, क्योंकि ये कहा इसलिए कर रहा है। अहंकार बीच में आते हैं। तुम कर सकोगे कि ऐसा मेरा चिंतन चला, उसमें ये हुआ, तुम्हारी भाषा मेरी भाषा अब एक है। मुँह पूछूं क्यों लागे, पहले तो कभी विचार ही नहीं किया एकांत में बैठ करके, वहां से ही भूल, कभी ये विचार ही नहीं हुआ एकांत में ध्यान में बैठने का कभी आज तक, क्योंकि बैठता है उसके अंदर तो शंका उठने लगती है। बैठने का परिणाम ही यह है कि शंका ढेर सारी लेकर के खड़ा हो या फिर अनुभव लेकर खड़ा हो, दो में से एक ही होगा। बैठा और उठा और कुछ भी लेकर न उठा ये संभव नहीं, वो बैठा ही नहीं। इसलिए जो ज्ञान दीपक मुझसे मिलते हैं और स्वरूप के संबंध में इतने प्रश्न पूछते हैं, मेरे अहोभाव बढ़ जाते हैं उनके प्रति, स्वरूप की बात। और उसमें भी जो ज्यादा सुनते हैं बोलते कम है, और उसमें से निचोड़ते हैं रस, ये मूढ़मति को अहंकार है। कभी पूछता नहीं कि चैतन्य स्वरूप मुझे बताओ, ये बैठा है, कभी नहीं पूछता, आज तक कभी नहीं पूछा। दूर दूर से लोग आकर के मुझे हजारों प्रश्न पूछते, इसने कभी नहीं पूछा। वो भटकने की निशानी अहंकार, क्या पूछूं, मुझे तो पता है, क्या पूछूं, तुझे पूछूं, छोटे बच्चे को पूछूं, नहीं। तुम बैठो, सच कहता हूं, उस भाव से तुम्हें शंका होगी। मैं तो हथौड़ा मारने बैठा हूं, एक ऐसी पुकार ही समझ लेना जो इस राग की दीवार में से निकलती है। तुमने आज तक यही सुना है, दीवार ने कान होई छे, वो तो मैं देख रहा हूं कि राग की दीवार को कान है, दीवालों ने पण कान होई छे। मगर आज ये भी सुन लो कि दीवार को मुंह भी होता है, जो तुम नहीं देख पा रहे हो। राग की दीवार को मुंह भी है, जहां से ये आवाज निकल रही है, एक अनजान पुकार जिसे तुम कभी न जानते थे। एना माटे जा वात करी छे, काश अजी पण समझे, मरता मरता पण समझे। 72वां बोधामृत उनके लिए समझो जो 72 बरस में मरने की तैयारी में है और अभी भी पलटना नहीं चाहते। 72 वर्ष थी गया पर सुधरवा नहीं मांगता, एना माटे आ 72मो बोधामृत छे कि हवे तो पलटो, हवे तो तारू अभिमान छोड़। और ये बोधामृत और ये लक्षण 72 एने व्यात करी बधी, पण समझाय कोने आ बधु, एने तो समझाय, खाली नाम तो नहीं सांभळ पण आम खबर छे, એટલે તો વાત કરી છે। इसलिए मैं आपको एक बात कहता हूं, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि, तीर्थंकर नी दिव्य ध्वनि हो, केटली भाषा में अठार महाभाषा 18 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में कीर्ति अर्थात विभाजित होती है, तो मनुष्य की भाषा 18 महाभाषा 700 लघु भाषा, जैसे एक कान के साथ में वो ओंकार ध्वनि ओ,
ये ध्वनि तुम्हारे कर्ण प्रदेश के साथ टकराई और भाषा में परिणमित हो गई, किसी को गुजराती में, किसी को हिंदी में, जिसकी जो जो भाषा समझ। शब्दों को ग्रहण नहीं करना। ये 72वां बुद्धामृत तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि। तीर्थंकर कितना हुए तो के 24, 24 तीर्थंकर, मगर तीन काल में होते हैं 24, भूतकाल के 24, वर्तमान के 24 और भविष्य के 24। तीनों काल में जो तीर्थंकर हुए, उन तीनों कालों की तीर्थंकर ध्वनि को इकट्ठा करो और उसमें भी उनको कूड़ा समझ करके, उसके रस को ग्रहण करके, भाव को ग्रहण करना। 72 तीर्थंकर थाई, 24 तेरी 72, 24 भूतकाल ना, 24 वर्तमान ना, 24 भविष्य ना। 72 तीर्थंकर नी दिव्य ध्वनि या भाषा, भाषा 24 तीर्थंकर भूतकाल ना, 24 वर्तमान ना, 24 भविष्य ना, यानी भाषा। ये भाषा ने नहीं पकड़वानी, ये शब्दों ने नहीं पकड़वाना, ये भावों ने ग्रहण करवाना। और इसलिए भेद नहीं, वहां अनुभूति में भेद नहीं। ये जो भाषा है ना, भाषा में भेद है। कोई गुजराती में प्रवचन करेगा तो उसका प्रवचन, हिंदी में प्रवचन कोई करे तो वो अलग अलग होगा, भाषा में भेद है। भाषा सत्य नहीं, सत्य तो अंदर में, अंतर में, वही सत्य। भाषा झूठी, काल्पनिक, तैयार की गई। इसलिए तो सबकी अपनी अपनी भाषा होती, मुलाकात हो ही नहीं पाती, मिलन हो ही नहीं पाता। आपको सपना कभी आता है? सपना आपका सपना और दूसरे का सपना, सपना किसी को एक सा नहीं आता कि जैसा तुम्हें सपना आया ऐसा ही सपना मुझे, क्योंकि झूठा कभी एक सा नहीं होगा और सत्य एक होगा। तुम्हें जो दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है, सपना एक सा नहीं था, सत्य वही है। जो तुम्हें दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है, जो तुम्हें दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है। इसलिए सपने में भेद होगा। किसी को सपना आया कृपालु देव का, किसी को सपना आया कांजी स्वामी का, किसी को सपना आया कुनकुंदाचार्य देव का, किसी को सपना आया अमृतचंद राजा। सब अपने अपने सपने को लेकर के बैठे और कहते हैं कि मैं सच्चा, मेरा सपना ही सच्चा। नहीं, सपना झूठा, क्योंकि सपने अलग अलग होंगे। कृपालु देव अलग, कांजी स्वामी अलग, ये अलग अलग, मगर उनके पीछे एक सत्य है, सत्य वही सच्चा है। सपने सबके अलग अलग है, जो सपने के पीछे नींद है, नींद सब नींद में ही थे, सब नींद में थे, सब नींद में थे, सब नींद में थे। नींद एक कॉमन वस्तु है सपने के पीछे। सपने एक से न होंगे, सपने सच्चे न होंगे, मगर नींद, नींद नींद सच्ची है, झूठी नींद नहीं थी। कोई झूठा ऐसा लेट जाए तो सपना नहीं आ सकता, सच्चा नींद में जाना पड़ेगा सपने के लिए। सच्ची नींद थी, नींद झूठी नहीं होती, नींद सच्ची होती, सपना झूठा है जो नहीं है ऐसा वो देख लेता है। नींद तो आई है, ऐसा ही है। ज्ञानी जिनका अनुभव है, अनुभव सत्य है, वो नींद को सत्य अनुभव के साथ में लेता है। अनुभव वो सबका समान है, सब सपने के पीछे कुछ सत्य है, सब व्यक्तियों के पीछे कुछ सत्य है, सब वाणी के पीछे कुछ सत्य है। तुम शब्दों को नहीं, शब्दों के भावों को ग्रहण करना, तुम सपने को नहीं, सत्य को ग्रहण करना। भाषा शब्द, शब्दों को ही तुम्हें याद रह जाता है। शब्द कोई बोले तुम्हें याद रह जाता है कि मुझे ये कहा, मने आओ संभड़ा भी दी तू, शब्द याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। कभी
तुमको किसी ने डांट दिया हो, कभी भूलते नहीं, अरे मने आऊ कही थी तू, मने आऊ की तू, उसे भूलते नहीं। कभी तुम्हें याद रहा कि किसी ने तुम्हारा छाता नीचे गिरा था तो उठा करके दिया था, किसी ने तुम्हें पानी पिलाया था, तुम्हें कभी याद? तुम्हें तो अमृत पिलाने वाले भी याद नहीं रहे, पानी पिलाने वाले क्या याद रहेंगे? वो तो अमृत पिलाने वाले भी गए कि भूल गए, पानी पिलाने वाले, छाता देने वाले क्या तुम्हें याद रहेंगे? जो तुम्हारे लिए एक छत्र बनकर के खड़े वो तुम्हें कहाँ याद रहेंगे? एक साधारण छाता तुम्हें याद नहीं रहे, कैसे रहेगा? क्योंकि वो भी याद नहीं रहा। बड़ी बड़ी चीज तुम्हें याद नहीं रहती, छोटी छोटी चीजें कहाँ याद रहेगी? भावो से देखकर शब्दों को नहीं, शब्दों के भावों को ग्रहण कर, साक्षात सदगुरु के योग में बैठ करके वो तुम्हें सब भाव व्यक्त कर बताएंगे। इसका भाव ऐसा है, इसलिए जब तुम्हें न बताए कि इसका भाव क्या है, तब भी तुम व्यर्थ के विवाद मत करना, उसके पीछे भी भाव कुछ होगा। तुम चुप होकर के उनकी बात को मान लेना, उस समय चुप होकर के उनकी बात को मान लेना, उसके पीछे भी कुछ कारण होगा। ज्ञानी जब भी कुछ बोलते हैं तब उसके पीछे बहुत कारण, बहुत गहरा कारण, उनके भाव बहुत सूक्ष्म, दृष्टि बहुत विराट। जिन्होंने अनंत काल का जान लिया है वे ज्ञानी, सम्यक दृष्टि है, चौथे गुण स्थान में है। जिन्होंने अनंत काल को जान लिया है वे चौथे गुण स्थान। तुमने तो यही सुना है ना कि केवल ज्ञान होगा तब अनंत काल का जानने में आएगा, नहीं, आत्मज्ञान हुआ कि अनंत काल का जान लिया। क्योंकि आत्मज्ञान हुआ तब स्वयं को जाना या नहीं, और स्वयं की सत्ता अनंत काल तक है, तो अनादि अनंत को तो जान लिया है, अनंत काल का स्वरूप उन्होंने जान लिया है। ये ऊंचे आ स्वरूप है, एटले आवुं छे। अनंत काल का स्वरूप जान लिया है, और ये जान लिया है कि ये जो भी जानने में आ रहा है वो अनंत काल तक स्वरूप में नहीं है, ऐसा जान लिया है। इसलिए निष्प्रभुता रहती है, इसलिए अलिप्तता रहती है। कल एक आदमी मुझे 1 करोड़ रुपये देने वाला है, मगर निष्प्रभुता रहती है, क्योंकि अनंत काल का स्वरूप जिसने जाना और ये जाना, उसमें तो करोड़ कहीं नहीं थे। इसलिए वो इतना शांत चित सुन लेता है, ले लेता है, रख लेता है, तो लुट जाता है तो देख लेता है सब। 1 समय को तुम इस भाव को समझ सको जो मैं कहना चाहता हूं। शब्दों को नहीं,
शब्दों के भावों को ग्रहण करना है। और वह भाव क्या है, तुम किसे ग्रहण करोगे? जो दिखाई नहीं देता, जो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, उसे ग्रहण कैसे करोगे? और ग्रहण तुम करोगे क्योंकि वो जो भाव है, वो भाव का अर्थ और कुछ भी नहीं, वो भाव का अर्थ और कुछ भी नहीं। भाव ये भाव जीव को ही भाव नहीं होता, उद्गल को भी भाव होता कि प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वभाव होता है और वही उसका भाव। जब भी मैं कहूं कि भावों से भिग करके तुम सुनना, उसका भाव यह कि ज्ञान की ये जो निरंतर बहती हुई ये जो धारा एक क्षण भी अपनी सत्ता को उसमें झलकते हुए ज्ञेयों के साथ में मत देखना, वरना तुम भावों से भीग न पाओगे। राग के भाव की मैं बात नहीं करता, जब मैं तुमसे कहूँ रोक करके धो करके तुम ऐसे मुंह लटका करके, उसकी बात मैं नहीं करता। ज्ञान 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 ऐसा जो अनादि अनंत ये चैतन्य का जो ये भाव, ये जानना जानना जानना, ये जो सहज और तुम्हें ये जागृति की ज्ञेयों का उसमें जो प्रतिबिंब पड़ता है, इस प्रवाह में प्रतिबिंब पड़ता है, प्रवाह में प्रतिबिंब ध्रुव में नहीं पड़ता, वो ध्रुव तो जैसा है ऐसा है, प्रतिबिंब ध्रुव में नहीं, प्रतिबिंब वो प्रवाह में प्रतिबिंब पड़ता है और प्रवाह में वो प्रतिबिंब पड़ता है।
जो प्रतिबिंब, वह भी वो जो प्रतिबिंब में जो है वह भी मैं। शक्ति किसी और की नहीं खर्च हो रही, वो शक्ति मेरी ही खर्च हो रही, मगर खर्च होने के बावजूद भी वो शक्ति को कुछ भी नहीं होता, और वह है अनादि अनंत। दर्पण भले ही घूमता रहे, उसमें जो प्रतिबिंब होने में दर्पण की स्वच्छता जो है वो उसमें खर्च हो रही है, वो कारण है कि स्वच्छता के कारण दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है, मगर स्वच्छता जो है वो स्वच्छता मात्र, उस स्वच्छता को वस्तु से और ये तरह तरह की अवस्था से स्वच्छता मात्र ऐसा लक्षण, ऐसा भाव, उसका स्वभाव, उस स्वभाव को कुछ भी नहीं, और उस स्वभाव को तुम ग्रहण करना, ऐसे ग्रहण करना। वस्तुओं के स्वभाव और एक एक को नहीं, जब भी मैं कहूं भाव तो भाव में एक एक को ग्रहण करना होगा, तो भाव की बात होगी। अब और आगे एक ज्ञान, दूसरा दर्शन, तीसरा चारित्र। ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, श्रद्धा, ये ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र, एक एक स्वभाव। स्वभाव को ग्रहण मत करना, वरना भेद के लक्ष्य से भी विकल्प उत्पन्न होंगे। उन सब का एक अभेद, एक स्वरूप ही है जो भेद रूप नहीं है, जो कहने के लिए भेद रूप कहा गया। ऐसा जो स्वरूप है, उस स्वरूप को जिसमें अनंत गुणों की एकता है, ऐसे स्वरूप को एक व्याप्त, उसमें भेद नहीं है, वो एक है। दर्पण घुमा 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 घुमा, मगर स्वच्छता का जो लक्षण ऐसा वो स्वरूप, ऐसे ही ये सारे जगत में ये जो ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं, और ज्ञान की अवस्था पलटती रहती है, ये पलटती अवस्था 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 में एक सत्ता मात्र जो उसका, जब तुम विचार करोगे, जब तुम चिंतन करोगे, तब ये ज्ञेय गौण हो जाएंगे। तुम्हें कुछ क्षण लगेगा कि तुम यहाँ से निकल रहे हो, तुम्हें ऐसा ही हल्कापन, ऐसा अनुभव होगा जैसे तुम्हारे कषाय और मिथ्यात्व, ये दोनों मंदता की ओर यात्रा कर रहे हैं, वो अनुभूति नहीं। तुम्हें शांति जैसा लगेगा, मगर उसमें अटकना मत, क्योंकि अनुभूति कुछ और है, क्योंकि तुमने पहले ऐसा भी रस नहीं चखा, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, और जो चखा था वो तुम भूल गए। कभी कभी भूतकाल में तुमने परमात्मा की वाणी सुनी और मिठास तुम्हें आई थी मंदता में, इसलिए तुम्हें ये लगेगा, मगर तुम उसमें समझ अटकना मत। कभी अटको जो कह रहे थे माँ, तुम समझ अटको, अनुभव कारण सुन तो भी तुम भी उन विकल्पों में भी तुम मत अटकना नहीं, क्योंकि अतीन्द्रिय जो निर्विकल्प आनंद उसमें भी आप समस्त परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान पूर्वक एकाग्रता पूर्वक मुझे सुना,
मुझे सत्संग करने का अवसर दिया, ईश्वर ऐसा ही है। इस स्वरूप को तुम प्रधानता देना। भाव का अर्थ स्वरूप, शब्द बाहर छूट जाएंगे, स्वरूप को तुम ग्रहण करना। और इसलिए है ज्ञान दीपक, मैं तुम्हें तुम्हारा 72वां लक्षण ये कहकर विराम लेता हूं कि तुम स्वरूप ग्राही होना। आज तक तुमने जो भी सुना कूड़ा करकट को बाहर छोड़ देना और स्वरूप को ग्रहण करना। अर्थात ये जो पर्याय जो मैंने कहा, जिसमें ये प्रतिबिंब पड़ता है, प्रतिबिंब पड़ता है, प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब में ही तुम्हें वो दशा प्रकट हो कि जो प्रतिबिंब जिस पर्याय में, जिस प्रवाह में प्रतिबिंब पड़ता था, जिस प्रवाह में प्रतिबिंब पड़ता था जगत के पदार्थों का, प्रवाह तो चलता ही रहे मगर प्रवाह में प्रतिबिंब भी पड़ता रहे, मगर उस प्रतिबिंब में जगत का नहीं, उस प्रवाह में व्याप्त वो जो चैतन्य की ध्रुवता, जो चैतन्य मात्र स्वरूप है, जो एक, जिसमें भेद नहीं, जो एकमात्र विराट, ऐसा ये एक, वही तुम्हारी पर्याय में प्रतिबिंबित हो। वो तुम करोगे नहीं, वो होना वही अनुभूति है और वो सहज है और उसमें तुम्हारी पर्याय खुद परिणमित हो रही है, इसलिए उसमें अनंत पुरुषार्थ भी है। वो हुआ सहज मगर अनंत पुरुषार्थ उसमें गर्भित है। ऐसा यह स्वरूप आप परमात्माओं को निकट काल में प्रकट हो, ऐसी मैं मंगल भावना भाता हूँ। आप समस्त परमात्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करता।